पाक सर्कस मैदान में धरना चल रहा है। आज महिलाओं ने यहाँ पे रैली निकाली। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। शाहीन बाग ने एक दिशा दिखाया और वो दिशा कलकत्ता ने भी देखा और पाक सर्कस में 7 तारीख से हजार महिला बैठी है धरना पे। वैसे अभी ज्यादातर पाक सर्कस की महिलाएं आई हैं मेयो रोड पे। यहाँ एक प्रतिरोध चल रहा है। ये पहला रैली है महिलाओं का CAA और NRC के विरुद्ध। काफी बड़ा टर्नआउट है यहाँ पे। ये रैली खत्म हो जाएगा तो वापस कोलकाता के शाहीन बाग पार्क सर्कस में ज्यादातर महिलाएं वापस जाएंगी। मैडम आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम नाहिदा बेगम है। और आप क्या करती हैं? मैं एक्चुअली तो हाउस वाइफ ही हूँ, कभी कभी ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती हूँ। तो आप कैसे अपना घर छोड़ के अचानक रस्ते पे निकल आई CAA और NRC के विरुद्ध? यही तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्यों निकल आए, ऐसा सिचुएशन क्यों हो गया है देश का कि सब काम काज बच्चा का एग्जाम वगैरह सब छोड़ छाड़ के हम लोग ये धरना पे आ गए, यहाँ आ गए। देश हम लोग को किस तरह ले गया है इस रोड पर। और फिर भी ये तो एक काफी इंटरेस्टिंग एक फेनोमेना हुआ है इस बार कि महिलाएं बहुत आगे आई हैं CAA और NRC के विरुद्ध, और उसके ऊपर मुस्लिम महिलाएं भी बहुत संख्या में निकल आई हैं। इसलिए कि हम लोग को अपना बच्चे जो है उनकी फिक्र है, आपको खुद का फिक्र नहीं है? या फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन, सिर्फ मेरा नहीं, हमारे सब कोई का नेक्स्ट जनरेशन की फिक्र है कि कल को उन लोग के साथ क्या होगा। हम तो प्रूफ कर देंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम प्रूफ कर देंगे। जो गरीब लोग हैं, जो वो नहीं दिखा पाते हैं, जो मतलब फुटपाथ पे रहते हैं, जो मतलब सैलाब में जिनका घर बस गया है, जो अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है शहर का शहर, तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? मेरे 10 फुट से हम यही हैं, मतलब हम लोग यही के हैं, मगर अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो हम देश से बाहर हो जाएंगे। अमित शाह 19 नवंबर को इसमें राज्यसभा में बोलते हैं कि NRC पूरे देश में लागू होगा, सिर्फ असम में नहीं। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बोल रहे हैं NRC का तो वर्ड ही नहीं कहीं यूज हुआ है। मतलब हम लोग क्या बेवकूफ है? और फिर बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं बहुत अनपढ़ है, जाहिल है, भेड़ चाल में चल रहे हैं, जिनको CAA NRC का मीनिंग नहीं पता है, वो लोग को लगता है सरकार को कि हम लोग ना समझे। अगर ना समझ रहते तो आज इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद नहीं रहती, इतने लोग ना समझ नहीं हो सकते। जो मेयो रोड पे महिलाएं जमा हुई हैं, उनका कहना है वो है नहीं बेवकूफ, सब समझते हैं। कोलकाता से अनुराग त्रिपाठी के साथ मैं मोनिका प्रधान।